वैसे तो हमारे बड़े ही खास टॉपिक होते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बेहद ही खास है और आप बच्चों के लिए है, खास करके जो बिलो 18 इयर्स के हैं। ठीक है, 18 इयर्स के भी सुन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बिलो 18 इयर्स के लिए ये बहुत ही खास टॉपिक है। बच्चे ध्यान से सुनेंगे और मुझे रिस्पांस भी देंगे। कल बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है मुझे, क्लास में करवाया था मैंने ये एक्टिविटी। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है आज का वो है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ठीक है, विद रेफरेंस टू पॉक्सो एक्ट 2012। अब ये क्या चीज़ है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, यानी कि बच्चों का शोषण होना। बच्चों का शोषण किस प्रकार हो सकता है? शारीरिक हो सकता है, मेंटली हो सकता है, मानसिक तौर पे हो सकता है, और भावनात्मक जो होता है ना, इमोशनल, उसमें भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं कि आपके इमोशनल अब्यूज़ कैसे हो सकता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, ऐसे काम तो नहीं करना चाहिए लेकिन करते हैं मजबूरी से, उनको गाली गलौज देना, उनको मारना, उनके पेरेंट्स के ऊपर गालियाँ देना, कुछ भी, ठीक है, ये हो गया इमोशनल। और उसके बाद जो खास जो है वो है सेक्सुअल, यानी कि बच्चों के साथ ऐसा शारीरिक शोषण जो कि हमारे समाज का एक काला अध्याय है, एक घिनौना अपराध है कि बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ ऐसे अपराध किए जाते हैं कि बच्चे किसी को बता नहीं पाते, बच्चा समझ नहीं पाता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है और कैसे हो गया। अगर वो किसी को बताता भी है तो वो उसकी बात को अनसुना कर दिया जाता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चे के साथ कुछ भी होता है तो हमारे जो बड़े घर के हैं उनको बात सुननी चाहिए। अब मैंने आपको ये छोटे बच्चों को ये बताया था कि गुड टच एंड बैड टच क्या होता है। इससे पहले कि आप अब्यूज़ पर जाओ, सेक्सुअल अब्यूज़ पर, तो आपको पहले इसका मतलब पता होना चाहिए, व्हाट इज़ गुड टच एंड व्हाट इज़ बैड टच। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ आपको नहलाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, मालिश करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, घर के बुजुर्ग भी करते हैं, लेकिन हमें इतना क्या होता है, झिझक होती है बच्चों को, आजकल बड़ी झिझक होती है, लेकिन हम लोग बड़े झिझक होकर पेरेंट्स के साथ नहा भी लेते हैं, सामने नहा लेते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं, लेकिन यही चीज़ अगर हम कोई बाहर वाला आएगा कर सकते हैं ऐसे नहीं कर सकते, उनके सामने हम ऐसी हरकत नहीं कर सकते। और अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे बुजुर्ग, हमारे घर के बड़े आपको सिर नहलाते हैं, यहाँ साबुन, टांगों में साबुन लगाते हैं, तो हमें कोई वो नहीं होता, महसूस नहीं होता, हाथी का फटाफट नहाते निकलते हैं। लेकिन कोई बाहर वाला अनजान आदमी बच्चों को पाँव में हाथ लगा रहा है, आगे पीछे हाथ लगा रहा है, गालों में हाथ लगा रहा है, तो वो अगर बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा है, जिसमें वो एक शोषण का शिकार हो रहा है। तो मैं बड़े बच्चों से यही आग्रह करूंगी कि ऐसे जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे बात करो, आपके पेरेंट्स का भी काम है कि ऐसे बच्चों का शोषण ना होना दे, क्योंकि हमारे समाज में ये चीज़ बहुत प्रचलित हो रही है, हर 10 में से तीसरा बच्चा शोषण का शिकार हो रहा है, और ये इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये कोई भी बच्चा शोषण का शिकार, शोषण ना हो पाए। और छोटे बच्चे खास करके, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी शोषण करता है, कोई भी अपराध करता है, घिनौना अपराध करता है, हमारे घर के ही बंदे होते हैं जिस पे बच्चा जल्दी ही विश्वास कर लेता है, विश्वास पात्र होता है वो, और बच्चे को समझ ही नहीं आता, और अगर वो बताता भी है अपने मम्मी पापा को तो वहाँ पे भी वो विश्वास नहीं करते, उनको चुप रहने की सलाह दी जाती है कि चुप रहो, बेइज्जती हो जाएगी समाज में, हमारी नाक कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ऐसे करते करते बच्चा जो है वो शोषण होता रहता है, और उसी शोषण में वो बड़ा हो जाता है, और जो कुछ उसके साथ हुआ होता है वो चाहता है कि मैं भी ऐसे करूँ समाज में, मैं भी इस समाज को ठीक से नहीं रहने दूंगा, मेरे साथ क्या क्या हुआ है मैं भी वैसे ही करूंगा। इसलिए आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट ही करूंगी, बड़े बच्चों को खास करके इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, और अपने भाई बहनों को
बात करें, ठीक है, एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन गैप हो गया है, एक मोबाइल आ गया है हाथ में और हमारी जो कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म हो गया है। इसलिए आज का टॉपिक मैं यही ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।